Good morning, everyone. So today, let's start the second poetry of 12th class literature, that is, An Elementary School Classroom in a Slum, written by Stephen Sender. But before that, if you haven't subscribed my channel yet, please do subscribe. The main theme of the poem is social injustice and class inequalities. Now, as I have already told you, that the theme of the poetry is very, very important, and here also, the theme taken by Stephen Sender, that is social injustice and class inequalities, plays a very important role. इस पोएम में पोएट ने बताया है कि जो गरीब बच्चे होते हैं उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड ना कराने से उनकी फिजिकल हेल्थ एज वेल एज मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ता है एंड नाउ द वर्ल्ड इज लिविंग इन सच अ कंडीशन दैट द रिच आर बिकमिंग रिचर एंड द पुअरर आर बीइंग ड्रैग्ड टू द मोर पुअरर कंडीशंस व्हिच इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री सो लेट अस नाउ स्टार्ट विद द प्रोज फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन आई विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द वीडियो सो लेट अस नाउ स्टार्ट So let us now start with the prose. Actually, this poetry has been bifurcated into four major parts, out of which two parts are condition of children in classroom, which is described in the first paragraph, and condition of classroom, which has been described in the second paragraph. The next two paragraphs describe about the condition of children which and their lives which they live. And in the fourth paragraph, the poet highlights the fact that what the government and the other people can do for the betterment of the children. So let's now start with first two paragraphs and what the poet wants to say. Far, far from dusty ways these children faces, like rootless weeds the hair down around their pallor. अब इसमें poet ने compare किया है the condition or the physical condition of the children with the energetic waves जो समुद्र के किनारे आती हैं. The poet is trying to say कि जो वेव उस टाइम पर समुद्र में उठ रही होती है जिसमें बहुत एनर्जी होती है जो किसी को भी खत्म कर देंगे अगर किसी उसके रास्ते में आए इतनी एनर्जी इतनी पावर वो रखती है बट दीज चिल्ड्रन फेसेस आर फार फार फ्रॉम रस्टी वेव मीन्स दे डोंट हैव एनी एनर्जी दे आर कंप्लीटली डल बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल कंडीशन इन विच दे लिव सो नेक्स्ट वर्ड इज से लाइक रूटलेस वीड द हेयर टोन अराउंड देयर पैलर Rootless weeds. Now, or we all know that weeds are what? Weeds are the unwanted plants. जिसको हमें खेतों में से उगाड़ के बाहर फेंकना होता है क्योंकि वो दूसरे प्लांट्स को हार्म करते हैं सनलाइट नहीं पोषण देते लाइक दैट ओनली दीज चिल्ड्रन आर बीन डिस्क्राइब्ड एज द रूटलेस वीड्स मीन्स दे हैव नो यूज इन द फ्यूचर और नो कॉन्ट्रीब्यूशन इन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री द हेयर टोन अराउंड देयर पैलर हेयर नो पॉइंट इज ट्राइंग टू डिस्क्राइब द फिजिकल कंडीशन दैट देयर हेयर आर टोन मतलब उनके बाल बिल्कुल बिखरे हुए हैं उनके मुंह के ऊपर फैले हुए हैं अराउंड देयर पैलर पैलर हेयर रेफर्स टू द पेल फेसेस देयर डल फेसेस व्हिच हैव लॉस्ट ऑल देयर चार्म ऑल देयर ब्यूटी लेट्स नाउ मूव टू द थर्ड लाइन द टॉल गर्ल विद हर हेड डाउन हेड द पेपर सिटी बॉय विद ब्लैक आईज द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग अ फादर नार डिजीज इज लेसन फ्रॉम हिज डेथ नाउ द थर्ड लाइन द बॉय इज डिस्क्राइबिंग अबाउट अ गर्ल और वो गर्ल जो है अपने डेस्क के ऊपर हेड डाउन करके बैठी है अब इससे पोएट ये सोच रहा होता है या तो वो उदास है या फिर शी इज नॉट एबल टू सर्वाइव इन दिस पैथेटिक कंडीशन सो द पोएट इज ट्राइंग टू डिस्क्राइब दैट अ टॉल गर्ल इज सो मच वरीड और इज सो मच डिस्टर्ब विद द एनवायरमेंट दैट शी इज नॉट एबल टू फोकस ऑन हर स्टडीज एंड शी इज सो डिस्टर्ब विद द एनवायरमेंट दैट शी इज सिटिंग विद हर हेड डाउन इन द क्लासरूम द पेपर सीमिंग बॉय विद रैट आईज Now the paper seeming boy with red eyes means the pair. बच्चे जो है वहाँ पे क्लास में इतने भूखे इतने पतले हो गए हैं कि वो पेपर्स को भी जैसे रैट्स की आईज को अपने अगर कभी देखा हो वो हमेशा ऐसे होते हैं जैसे उनको कुछ चीज को खाना है और वो उसको फटाफट उसको पकड़ना चाहते हैं खाना चाहते हैं उसी तरह से ये पेपर सीमिंग बॉय मीन्स जो बच्चा है क्लास का वो पेपर को भी खाने को तैयार हो चुका है वो उसको रैट्स आईज की तरह से देख रहा है नेक्स्ट लाइन The stunted, unlucky hair of twisted bones. Now here the poet is describing that the bones of the children are also not fully fit. They are having twisted bones. Fine. Deciding a father's mild disease is lesson from his death. और जब भी हम उसको किसी भी क्वेश्चन का आंसर करने के लिए कहते हैं उसकी फिजिकल कंडीशन से पता लग जाता है कि वो अपने किसी फादर के डिजीज को बता रहा है मतलब उसने ये डिजीज लिया नहीं है बट इट हैज बीन एक्वायर्ड हेरिडिटरी उसके पेरेंट्स को वो डिजीज हुआ होगा जो आगे आगे चलता हुआ आ रहा है ये कब पता लगता है जैसे हम उसको कोई क्वेश्चन पूछा उसने अपनी सीट के ऊपर खड़े हो गया हमें कोई आंसर देने की ट्राई करी तब हमें पता लगता है कि ही और शी इज रिसाइटिंग
her father's Nile disease, which she has acquired from her parents, because their parents are also living in same pathetic condition in which these children are now surviving. Next night, at the back of the dim class, one are noted sweet and young. His eyes lived in a dream of squirrels game in the tree room other than this. Now at the last, poet ये बताता है कि उस क्लास के अंदर जहाँ पे कोई भी होप नहीं बचा है किसी के लिए भी कि वो कुछ कर सकेगा फ्यूचर में, एक बच्चा लेकिन ऐसा क्लास में बैठा हुआ है जो बिल्कुल लास्ट में बैठा है, वो उन सबको से अलग है। उसकी आंखें मतलब विंडो के बाहर देख के एक अलग ही वर्ल्ड को अनुभव कर रही है कि वो कभी ना कभी इस क्लासरूम की बाउंड्रीज को ब्रेक करके बाहर जाएगा और बाहर जाके जो उसके ड्रीम्स हैं उनको वो फुलफिल करेगा। फाइंड ही सेज हिज आईज लिव्ड इन अ ड्रीम, मतलब जो बाकी क्लास के बच्चे हैं वो अपनी कंडीशन को देख के हार मान चुके हैं, लेकिन एक बच्चा क्लास में मे भी ऐसा है जिसकी आईज ये सोचती है कि हाँ वो अभी भी कुछ कर सकता है, जिसके लिए वो बाहर स्क्विरल गेम इन द ट्री रूम को देखता है। मीन जैसे स्क्विरल होती है वो पेड़ के ऊपर नीचे से ऊपर उछल भी रहती है, ठीक उसी तरह वो सोचता है कि मेरी लाइफ भी फुली एंजॉयमेंट है और मैं ऐसा ही कुछ कर सकता हूँ जिसमें फुल ऑफ बूस्ट होगा, यूथ होगा, एनर्जी होगा। राइट, सो दिस वॉज अबाउट द फर्स्ट पैराग्राफ इन विच द पोएट इज डिस्क्राइबिंग व्हाट कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लासरूम। Now in the second paragraph, the poet has described about the condition of the classroom. Let us now start with the second paragraph. On sharp green walls, donation Shakespeare had, cloudless at dawn, civilized dome, riding all cities, bent starry towards the cell. Now इस paragraph में poet ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो वहाँ पे जो classroom है उसकी walls sour है। Sour का मतलब क्या होता है, जैसे walls जैसे सिलन आ जाती है तो वो बहुत smell मारने लग जाती है, उसी तरह से the walls are being sharp green walls एंड उन सारी वॉल्स पे ऐसी ऐसी चीजें लगी हैं जो इन बच्चों के रीच से काफी दूर हैं या इन बच्चों के ड्रीम्स में भी नहीं आ सकती, जो उनके मतलब बिल्कुल अपोजिट कंडीशंस को डिस्क्राइब करती है। देयर आर डोनेशन, देयर इज अ शेक्सपियर हेड, मींस देयर इज अ फोटो फ्रेम और फोटोग्राफ ऑफ अ शेक्सपियर, क्लाउडलेस एट डॉन, सिविलाइज्ड डोम, राइडिंग ऑल सिटीज, मींस देयर इज अ फोटो फ्रेम ऑफ द डूम जो कि उस पूरे वॉल से यहाँ जो एक एंड से स्टार्ट करके दूसरे एंड तक जा रहा है, एंड देयर इज द सीनरी ऑफ द क्लाउडलेस एट डॉन, मींस नाइट का टाइम है उसपे क्लाउडलेस डॉन दिखा रहे हैं, मींस दे आर शोइंग द लग्जरीज ऑफ लाइफ जो कि इन स्टूडेंट्स के बस की बात नहीं है। उनकी फिजिकल कंडीशन इतनी खराब है कि अगर ये चीज हम उनको दिखाएंगे तो ये चीज उनको बेनिफिट नहीं करेगी। आगे Well, starry towards the very open-handed map holding the world, its world. Now, next time, poet is describing that there are also the sceneries of the flowery towards the valley, means those valleys which are full of flowers, with beautiful flowers. But these flowers will not play any important role in their life because they are living in such a pathetic condition कि इन फ्लावर्स से उनको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। अगर उनके लिए हमें कुछ करना है तो इनको हटाकर हमें कुछ ऐसा करना है जिनसे उनको मोटिवेशन मिले, इंस्टेड कि उनको अपनी लाइफ की लग्जरीज के बारे में पता लगे क्योंकि उनकी कंडीशन तो चेंज नहीं हो रही है। इसलिए अगर उनको ऐसी चीजें हम दिखा रहे हैं क्लास के अंदर तो उनके अंदर एक इच्छा जाग जाएगी कि वो भी ऐसी लाइफ को लिव कर सकते हैं जो अभी के लिए पॉसिबल नहीं है। Open handed map according the world its world. Now the poet is saying that in the classroom there is also one map which is showing all the physical features like mountains, rivers, valleys, etc. But the poet is also saying that this is awarding the world its world. Now there it talks about two worlds. First world is the earth planet and another world is the world of the children in which they are living. Means the classroom is their world. उनके बाहर वो ना कभी गए ना उन्होंने उसके बाहर की कभी लाइफ को जिया है। तो वो एक वर्ल्ड ही कह रहा है, ओपन हैंडेड मैप, एक मैप लगा रखा है जो खुद में एक वर्ल्ड है और वो वर्ल्ड दूसरे वर्ल्ड मतलब जो बच्चों का क्लासरूम है उनको वो चीजें दिखा रहा है जो कि वो चीजें सही नहीं है क्योंकि उन बच्चों की बस की बात नहीं है कि वो उन फिजिकल फीचर्स को देखें बिकॉज उनकी कंडीशन ऐसी नहीं है। एंड येट फॉर दिस चिल्ड्रन दिस विंडो नॉट द वर्ल्ड आर वर्ल्ड, मीन द पॉइंट इज सेम कि इन सब मैप्स के लगाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि इनका जो वर्ल्ड है वो एक बाउंड्री में सराउंडेड है एंड दैट बाउंड्री इज व्हाट दी दैट बाउंड्री इज द विंडो ऑफ द क्लासरूम, जिस क्लास विंडो के अंदर इनका पूरा का पूरा वर्ल्ड समाया हुआ है। नेक्स्ट, वेयर ऑल देयर फ्यूचर इज पेंटेड विद द फॉग, वो रह तो रहे एक क्लासरूम में जहाँ पे पूरी बाउंड्रीज हैं लेकिन उनका जो सारा फ्यूचर है जो ब्राइट नहीं है उस पर एक धुंध छा गई है, पूरा वो कवर्ड है पूरा। सो नाउ लेट अस मूव टू द थर्ड एंड द फोर्थ पैराग्राफ ऑफ द पोएट्री। Third paragraph deals with the condition of children and the fourth paragraph deals with the expectations of the writer from the authorities. So let us now start with the third paragraph.
Surely Shakespeare is wicked and the map is a bad example. Now in this paragraph, the writer Stephen Fender calls Shakespeare to be wicked. Why? Because Shakespeare जो है वो बच्चों के मन में ऐसे ऐसे luxuries को पैदा कर रहा है जो उनके future से related नहीं है, जो उनके बस की बात नहीं है. That is why they are calling Shakespeare to be wicked, क्योंकि वो अपनी poetry के अंदर ऐसे ऐसे luxuries की बात कर जाते हैं Shakespeare, जो कि इन बच्चों के world से बिल्कुल ही opposite है, बिल्कुल opposite condition को display करता है. And the map is a bad example. Now, why the map is a bad example? Because map is displaying all the beautiful features of the world, like beautiful turquoise valley and the mountains or the rivers, civilized dunes. But in their world, there is no existence of all these nozzling things because their world is surrounded with the boundary of the windows of the classroom. That is why the poet is calling Shakespeare to be wicked, and the map is a bad example. Now, with ships and sun and love tempting them to sleep. अब poet कह रहे हैं कि जो हमारा map है, map is a bad example. उसके अंदर जो हमने ships दिखा रखी हैं, जो sun दिखा रखा है, and love means which is the poetry of the Shakespeare. ये सारी चीजें क्योंकि वो acquire तो अभी नहीं कर पाएंगे, तो इनको पाने के लिए वो wrong चीजों में घुस जाएंगे, वो चोरियां करने लगेंगे. मतलब किसी ना किसी तरीके luxuries को लेने के लिए वो गलत रास्ते पर निकल जाएंगे. That is why they are calling Shakespeare to be wicked. Now, for lives that slightly turn in their cramped halls from fog to endless night on the slag in these children. Now the poet is saying कि इनकी जो life है वो धीरे धीरे खोखली होती जा रही है, holes बनते जा रहे हैं उसके अंदर. जैसे अगर हमारे पास कोई door है, इसके अंदर लात मारो वो टूट जाता है, बिल्कुल खराब हो जाता है जब, ठीक उसी तरह उनकी जो life है वो slowly turn होती जा रही है खोखले छेदों की तरह, जिसके अंदर अब कुछ नहीं बचा है एक्सपेक्ट अपार्ट फ्रॉम दिस कि वो अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है. सारी एक्सपेक्टेशंस उनकी लाइफ की सारी खत्म है. From fog to endless night on their slag sleep. Now the poet is saying from fog to endless night. मतलब जो उनका पूरा दिन बीतता है उसमें कभी मॉर्निंग, कभी भी शाइन, कभी भी कोई लग्जरी या फिर कभी कोई पॉजिटिविटी है ही नहीं. मतलब जो स्टार्टिंग हो रही है डे की, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम फॉग. पहले से ही धुंधलापन है और वो धुंधलापन रात में बदल जाता है दिन के एंड होने पर. On their slag heap these children, bare skin sleep through by bones and spectacles of steel like water bits of stone. Now here the poet is describing the condition, physical condition of the children. The poet is saying, जैसे कूड़े का ढेर होता है उसके ऊपर ये बच्चे पड़े हुए हैं, इनमें ना कोई एनर्जी बची है, बिल्कुल मरे हुए जैसे बच्चे होते हैं उसके ऊपर कूड़ों में ये रह रहे हैं. And they bear the skin sleep through by bones. मतलब उनकी जो skin है वो इतनी पतली है कि उनकी हड्डियों, उनकी स्किन में से हड्डियां बाहर जा रही है. मतलब इतने ज्यादा पतले हैं वो, दे आर सो मैलनरिस्ट, कि उनकी बोन्स जो है वो स्किन से बाहर निकल रही है, इतने ज्यादा वो मैलनरिस्ट हैं. एंड दे आर वियरिंग द स्पेक्टेकल्स ऑफ स्टील लाइक वॉटर बिल्स ऑफ स्टोन. एंड जो स्पेक्टेकल्स वो पहन रहे हैं वो बिल्कुल ही कैसे हैं, लाइक वॉटर बिल्स ऑफ स्टोन. जैसे स्टोन के अगर वो कांच मारते हैं तो वो टूट जाता है, चूरा चूरा हो जाता है, ठीक उसी तरह उन्होंने जो स्पेक्टेकल्स पहन रखे हैं दैट इज नॉट ऑफ गुड क्वालिटी. एंड अपार्ट फ्रॉम इट, स्पेक्टेकल्स जो है वो स्टील के बने हैं और सारे के सारे टूटे हुए चीजों से जोड़कर किसी भी चीज से मतलब कंबाइन करके उनको वो चला रहे हैं. All of their time and space are foggy slum. मतलब उनका जो पूरे दिन का जो टाइम था, जो भी उनका समय बीतता था, वो सारा का सारा इन foggy slum के अंदर ही बीत जाता है. And at last, so blurred their maps with slum as big as doom. So poet last में क्या कहता है कि जो हमने मैप लगा रखे हैं, जो कि सारे फिजिकल फीचर्स का लक्ष्य ऑफ लाइफ दिखा रहा है, उसकी जगह हमें उनके क्लासरूम के अंदर उन स्लम्स का मैप लगा देना चाहिए जो कि उनकी कंडीशन से मैच करेगा, ताकि हम उनको स्टील करने से या फिर किसी भी गलत रास्ते पर निकलने से बचा सकें. तो पॉइंट यहाँ पे अपने एंगल को डिस्प्ले कर रहा है दैट चिल्ड्रन के लिए अगर हमें कुछ करना है तो हमें अलग वे राउंड से करना चाहिए, इंस्टेड कि उनको हम ये सब लग्जरीज दिखाएं जिससे So plot their maps with slum as big as doom. मतलब इससे पहले कि destruction start हो जाए, हमें वो सारे के सारे maps हटा देने चाहिए. इससे पहले कि destruction हो जाए, हमें उनके सारे जो classroom के अंदर maps लगे हैं displaying the beautiful physical features, उनकी जगह हमें slum के maps सब जगह या slum से related चीजों को classroom के अंदर लगा देना चाहिए. Now let us move to the last paragraph of the poetry. In this paragraph, the poet is asking from the authorities for some help. जिसकी वजह से सारे जो बच्चे क्लास के अंदर बैठे हैं उनकी कोई बेटरमेंट ऑफ कंडीशन या फिजिकल कंडीशन जो है इंप्रूव हो सके. सो अनलेस गवर्नर टीचर इंस्पेक्टर विजिटर दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दिस विंडो
फाइन सो नाउ अब कोर्ट क्या कह रहा है कि अगर तब हमारे गवर्नर टीचर इंस्पेक्टर और विजिटर ये सारे लोग सब तक मिलके एक साथ इन बच्चों के लिए कोई काम नहीं करते तभी तक तब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दिस विंडो दैट शव अप अपॉन देयर लाइफ लाइक कैटाकॉम्ब्स और वो कह रहा है कि जो मैप जो है बिकम देयर विंडो ये जो मैप फिजिकल विजन जो डिस्प्ले कर रहा है वो उनकी विंडो बन जाए मतलब जो असली का वर्ल्ड है वो उनकी बाउंड्रीज बन जाए इंस्टेड जो क्लासरूम की विंडो की बाउंड्रीज है वो हट जाए तब जाके हमारा कुछ कंडीशंस में बच्चों की वो बेटर हो पाएंगी दैट शट अप ऑन देम लाइक कैटाकॉम्ब मतलब जो विंडोज थी क्लासरूम की बाउंड्रीज वो उनकी लाइफ के ऊपर कैटाकॉम्ब्स की तरह कैटाकॉम्ब मतलब एक कैद होता है जहाँ पे कोई भी ऐसी कंडीशन है जहाँ पे तुम ब्रीथ भी नहीं कर सकते मतलब बिल्कुल मरने वाली कंडीशन को हम कैटाकॉम्ब्स कहते हैं ब्रेक और ब्रेक फील से ब्रेक पर डाउन एंड शो द चिल्ड्रन ग्रीन फील्ड एंड मेक देयर वर्ल्ड अब वो क्या कह रहे हैं कि इन विंडोज को जो उनकी बाउंड्रीज को कैच कर रहा है उनको जब तक हम नहीं तोड़ देंगे और उनको तोड़ने के बाद अगर हम इन बच्चों को ग्रीन फील्ड मतलब जो बाहर की ब्यूटी बाहर का जो नेचर उनसे अगर उनको दिखाएंगे तब जाके कुछ इम्प्रूवमेंट इन बच्चों के अंदर हो पाएगा रन एज योर ऑन गोल्ड सैंड एंड लेट देयर टर्म रन नेकेड इन द बुक्स अब कोई भी कह रहे हैं कि अगर जब उनको भागने दो जहाँ पे वो जाना चाहते हैं उनको ड्रीम्स को पूरा करने के लिए वहाँ पे उनको जाने दो एंड रन एज योर ऑन गोल्ड सैंड मतलब जो पूरा वर्ल्ड जहाँ पे जो उनका वेट कर रहा है कि वो बच्चे ऐसे ऐसे आए क्या पता उन बच्चों में कोई ना कोई टैलेंटेड बच्चा निकल जाए लेट देम रन ऑन गोल्ड सैंड मतलब जहाँ पे सारी लग्जरी ऑफ लाइफ उनको मिल पाएंगी एंड लेट देयर टंग रन नेकेड इन द बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन अब उनको रहने दो उनको जितनी बुक्स उनको पढ़नी है वो उनको एक एक करके पढ़ने दो White and green refers to the color of the pages of the books. That is why the poet is saying white and green leaves open. History is there to language the sun. And at last the poet is saying कि ऐसे लोग ही history बनाते हैं जो कि sun की तरह shine करते हैं, power रखते हैं, किसी को भी जगा के रख देंगे. वो जाके लोग जो होते हैं life में successful होते हैं, जिनकी language sun होती है. और ऐसे ही लोग history बना पाते हैं जो life में कुछ ना कुछ करने की इच्छा रखते हैं. That is why the poet is asking all these authorities to do something for the betterment of the children. So let us now start with some of the important questions of the chapter and elementary school classroom in a slum. So let us now start quickly with some of the important questions of elementary school classroom in a slum. First question. Why the girl is sitting with her head weighed down? Now this question we have to highlight that the girl is busy with some of her thoughts and because of the condition in which she is living, she is sitting with her head down. The paper seeming boy with his red eyes explained. Now here you have to explain that the children are so hungry, they are so malnourished that they are not able to eat even 2 miles per day. That is why their eyes are like red eyes and their paper seeming boy is looking at the paper because he is very hungry and malnourished. Third question. What does the map on the wall signify? Map on the wall signifies all the physical features which is completely opposite to the condition of the children in which they survive. Next. Explain far far from rivers, lake and stars of world. Now here you have to explain ki jaise stars of world means their world, jo unka world hai wo bilkul dur hai kisse stars of world, matlab literature, education, padhai. उन सबसे वो बिल्कुल दूर है एंड ऑल्सो विद द रिवर्स एंड केस मीन ऑल द फिजिकल फीचर्स एंड ऑल द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड उन सबसे वो बिल्कुल अलग एक जिंदगी बिता रहे हैं व्हाट डू द विंडोज एंड मैप सिंबलाइज विंडोज क्या बता रहे हैं विंडोज आर सिंबलाइजिंग द बाउंड्रीज इन विच दे आर लिविंग क्लासरूम की आवाज तो उनकी बाउंड्री लग चुकी है उसके बाद वो नहीं जा सकते ड्रीम्स को नहीं पूरा कर सकते सो विंडोज आर सिंबलाइजिंग द बाउंड्रीज इन विच दे आर लिविंग एंड द मैप इज सिंबलाइजिंग अगेन द फिजिकल फीचर्स इन विच The depiction of the features are not good for the children. Now, which images poet had used to describe children and slums? अब इसमें हमें ये बताना है कि कौन सी images poet ने use करी हैं children और slum के लिए. तो children को depict करने के लिए poet ने use करे हैं गच्ची waves, which is opposite to their condition, and secondly, that the children are like the rootless weeds. These two images are being used for the children. And in order to describe slum, the poet has again used two images. First is a slag heap, means जैसे वो जहाँ वो रह रहे हैं वो बिल्कुल slag heap मतलब कूड़े के ढेर की तरह है slum. And it is like the mended glass, मतलब ऐसी जगह है जिसको बहुत ज्यादा repair और बहुत ज्यादा टूटी फूटी जगह में वो रह रहे हैं Next question.
व्हाट रोल शुड द गवर्नर टीचर एंड इंस्पेक्टर प्ले। अब इसमें हम ये लिख सकते हैं कि जब भी कोई बंदा आभार से यहाँ पे विजिट करता है, कुछ करता है, तो वो उसे डोनेशन या कुछ ना कुछ बच्चों को बेटरमेंट के लिए कंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ ना कुछ करवा सकता है, जिससे इन बच्चों की कंडीशन को हम इम्प्रूव कर सकें। What does the poet wishes for the children of slums? अब इसमें हम ये लिख सकते हैं कि children of slums के लिए पहले poet wish करता है कि इनको इनकी condition से बाहर निकाला जाए, इनकी जो boundaries हैं windows की उनको तोड़ दिया जाए, और जो बाकी लोग जो बाहर से visit कर रहे हैं या उस place पे रह रहे हैं, उनको combine होकर कुछ एक joint venture करना चाहिए, जिससे इन बच्चों की conditions को हम improve करवा सकें। Next, why does Spender call Shakespeare wicked and mad the bad example? Spender means the writer, and why he is calling the Shakespeare wicked? Because Shakespeare ने जो अपनी poetry से, अपनी writing से इन बच्चों को एक ऐसा world दिखाया जो बिल्कुल imaginary है, जो इनकी condition से बिल्कुल अलग है। And Mab is a bad example, क्योंकि इनकी वजह से ये tempt करेगा बच्चों को कि वो गलत रास्ते पे निकल जाए और luxuries को पाने की कोशिश करें। वो steal कर सकते हैं, किसी से robbery कर सकते हैं, वो गलत रास्ते पर ना जा सकते हैं। That is why he is calling Shakespeare to be wicked, and Mab is a bad example. Last, explain the theme of the poetry and elementary school classroom in slum. Now here you have to write out that the theme of the poetry is social injustice and class inequalities. Now you have to explain कि कैसे poor बच्चों को इतने मौके नहीं दिए जाते, जिसकी वजह से उनकी condition और ज़्यादा ख़राब होती जाती है, और कैसे rich बच्चे जो होते हैं वो और अच्छी अच्छी बुलंदियों को छूते जाते हैं। तो हमें इन conditions को improve करने के लिए कुछ करना चाहिए। यही poetry पूरी की पूरी poetry में डिपेक्ट किया है कि वो कैसी कंडीशंस में रह रहे हैं और हम क्या कर सकते हैं इन इनजस्टिस को खत्म करने के लिए, साथ ही हम इन बच्चों के लिए भी एक बेटर वर्ल्ड को डेवलप कर सकें। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड यट। थैंक यू।